मेंस्ट्रुअल साइकिल। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में होने वाला एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है। प्राइमेट में आते हैं मंकी, मैन, एप्स, ये ऑर्डर प्राइमेट में आते हैं। तो इनमें एक साइकिल चलता है रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, जब ऑर्गेनिज्म प्यूबर्टी पीरियड में एंटर करता है तो उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक्सचेंज होती है। फीमेल में चलता है केवल, ये मेल में नहीं होता, ये फीमेल में होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में जब तक चलता है तब तक उसका रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है। तो सबसे पहले हम इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का जिक्र करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है। सबसे पहले जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के बाद, उस स्टेज को हम कहते हैं मेनार्की। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली बार स्टार्ट होता है तो उसको कहते हैं मेनार्की, और जब ये खत्म हो जाता है उसको कहते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये 50 ईयर के आसपास लेडीज में होता है, और ये 12 से 14 साल की एज में ये लेडीज में होता है। 12 से 14 साल की एज में स्टार्ट होता है और 50 साल की एज में ये खत्म हो जाता है। इसके बीच का पीरियड फीमेल का रिप्रोडक्टिव पीरियड है। तो रिप्रोडक्टिव पीरियड तब तक रहता है जब तक फीमेल में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता क्या क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल की चार स्टेज है, चार फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। सबसे पहली फेज कहलाती है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद ये फेज 3 से 5 दिन तक चलती है। इसके बाद मेंस्ट्रुअल फेज के बाद अगली स्टेज आती है फोलिकुलर फेज। इसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। यह 7 से 8 दिन तक चलती है। फिर आती है ओवुलेटरी फेज। ये फेज 1 से 2 दिन होती है। इसके बाद ओवुलेटरी फेज के बाद फिर आती है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज मेंस्ट्रुअल से पहले होती है, इसको सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। ये फेज 10 से 12 दिन होती है। इस तरह से ये फेज चलती हैं। तो इस फिर सारी फेज को कंटिन्यूअसली इन सबको मिला के हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये चार फेज से मिलके बना है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी में जिस दिन पहला मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है उसको फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। पहली बार फीमेल में वेजाइना से ब्लड प्लस कुछ म्यूकस प्लस डेड डीजनरेटेड ओवम निकलना शुरू होता है, तो वो उसका पहला दिन काउंट होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड 28 दिन का होता है। 28 दिन में ये साइकिल पूरा हो जाता है। और इसके बाद इस फेज के बाद फिर से ये फेज स्टार्ट हो जाती है। ये साइकिल कहलाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको इसकी स्टेज बताएंगे, चारों स्टेज का वर्णन करेंगे। पहले मैं इसका एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। इस डायग्राम में चार चीजें हम लेंगे।
यूटेरस की वाल की बात करेंगे तो यूटेरस की जो वाल होती है वो थोड़ी थोड़ी डिजनरेट होती है, वो डिजनरेट होने के बाद फिर ये वाल बढ़ने शुरू हो जाती है और ये स्टेज इस तरह से ये वाल बढ़ती चली जाती है और लास्ट में आके फिर ये वाल थोड़ी सी घटती है। और अगर ये इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स तो ये वाल बढ़ती चली जाती है और नॉन फर्टिलाइजेशन तो फिर यहां से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल और ये 28 दिन में साइकिल पूरा होता है। ये इसकी यूटेरस की वाल है। यूटेरस की वाल में आप बीच बीच में इसमें जगह जगह यहां प्रोलिफरेशन दिखा सकते हैं, जगह जगह इसमें सारी में इस तरह से ये वाल हो जाती है और इसमें प्रोग्रेशन भी इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ये तो है यूटेरस वाल और यूटेरस की वाल भी कौन सी, अंदर वाली एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ये यहां इस स्टेज में जीरो और ये 5, ये मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फिर आगे आती है फोलिकुलर फेज, ये आई फोलिकुलर। फोलिकुलर के बाद फिर आती है ओवुलेटरी और ओवुलेटरी के बाद फिर आती है लास्ट फेज, इसको हम कहते हैं ल्यूटियल फेज। ये 5 और ये यहां आप 14 मान लो, ओवुलेटरी फेज 16 तक मान लो और फिर ये ल्यूटियल फेज 28 तक मान लो। ये सारी ल्यूटियल फेज है। ओवुलेटरी थोड़ी सी और पहले लिख लेते हैं, ओवुलेटरी ये फोलिकुलर और ये मेंस्ट्रुअल। ये 4 फेज में ये साइकिल चलता है। ये तो आई इसकी सबसे पहले यूटरस की लाइनिंग की बात। अब हम बात करें प्रोगेस्टेरोन और हार्मोन की। दो हार्मोन मेनली रेस्पॉन्सिबल है, एक प्रोगेस्टेरोन और दूसरा एस्ट्रोजन। अगर हम प्रोगेस्टेरोन की बात करें तो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन पहले धीरे धीरे यहां से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, बढ़ेगा बढ़ेगा, ओवुलेशन के टाइम इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, फिर इसके बाद धीरे धीरे ये घटेगा। दूसरा हार्मोन अगर हम बात करें प्रोगेस्टेरोन की तो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन यहां से थोड़ा थोड़ा यहां आगे बढ़ेगा वो और ये फिर यहां। ये दो हार्मोन है, ये एस्ट्रोजन है और ये हार्मोन है प्रोगेस्टेरोन। ये ओवुलेशन ओवुलेशन के टाइम इसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। इसके बाद हम बात करें यहां से ऊसाइट की, छोटा है थोड़ा सा बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा हो जाएगा और बड़ा मैच्योर हो जाएगा फोलिकल और यहां आगे इस फोलिकल से ये प्रोसेस ओवुलेशन हो जाएगी और ओवुलेशन के बाद इससे बन जाएगा कार्पस ल्यूटियम। ये जो बनेगा कार्पस ल्यूटियम बनेगा और ये कार्पस ल्यूटियम आगे डेवलप होगा
अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कार्पस ल्यूटियम सर्वाइव करेगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा। इफ नॉट प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये डिजनरेट होगा, और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये बड़ा हो जाता है। और ये इफ इम्प्लांटेशन, तो इसकी स्टेज ही रहेगी, ये बड़ा होता है और ये सर्वाइव करता है, सर्वाइव करके ये कार्पस एल्बिकेंस बना देता है। इसके बाद हम बात करें एफएसएच और एलएच की। जो एफएसएच है, पहले इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम है, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, लेकिन बाद में ओवुलेशन के टाइम ये पीक पे पहुंचेगा, तो इसकी कंसंट्रेशन यहाँ ओवुलेशन के टाइम पीक पे पहुंचेगी, और फिर इसकी कंसंट्रेशन धीरे 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 कम होती चली जाएगी। ये कंसंट्रेशन दूसरा हार्मोन है एलएच। एलएच की कंसंट्रेशन पहले कम थी, धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते ओवुलेशन के टाइम ये भी पीक पे पहुंचेगी, और फिर ये कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगी, और लास्ट में ये कंसंट्रेशन और नीचे आ जाएगी। ये इस तरह से ये हार्मोन है, ये वाला एफएसएच हार्मोन है और ये एलएच हार्मोन है। ये हार्मोन दोनों पिट्यूटरी के हैं, ये एस्ट्रोजन प्रोगेस्टेरोन ओवरी के हार्मोन है, और ये ओवरी में फोलिकल के स्ट्रक्चर है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का यहां ओवुलेशन प्रोसेस है, ये ओवुलेशन के टाइम इन हार्मोन की कंसंट्रेशन आप देख सकते हैं। ये हमारा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में इस तरह से यूटेरस की लाइनिंग में भी चेंज होती है, ये यूटेरस की लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, और एस्ट्रोजन प्रोगेस्टेरोन की कंसंट्रेशन में भी चेंज होती है। एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन ओवुलेशन के टाइम मैक्सिमम होती है, जबकि प्रोगेस्टेरोन की कंसंट्रेशन इसके बाद में, क्योंकि यह कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने में मदद करता है, और बाद में ये प्रोगेस्टेरोन इससे कार्पस ल्यूटियम से भी निकलता है, जिससे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है। अगर प्रेगनेंसी हुई है तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है प्रेगनेंसी पीरियड में, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम से भी हार्मोन निकलता है, हम आगे जिक्र करेंगे। इस तरह से ये हमारी स्टेज आई। अब हम इसका स्टेज का जिक्र करेंगे। ये तो डायग्राम की बात हुई, डायग्राम की आप प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये डायग्राम पेपर में आ जाया करता है, तो इसको आप ध्यान से एक बार देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या होता है, क्या क्या चेंज होती है। अब हम इसकी सारी स्टेज का हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहली स्टेज है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज तीन से पांच दिन तक चलती है, और इसमें वजाइना में से फ्लूइड निकलता है, जिसमें यूटेरस की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थोड़ा सा ब्लड म्यूकस थोड़ी मात्रा में डीजनरेटेड ओवम ये निकलता है, तो ये पहली स्टेज कहलाती है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। जिस दिन मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब भी पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसको कहते हैं मेनार्की। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का निकलना
अर्थात ब्लड का निकलना वजाइना में से, ये कहलाता है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में जिस दिन ब्लड निकलेगा, जिस दिन ये फ्लूइड निकलेगा, उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। और ये 3 से 5 दिन तक निकलता है। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद, जब मेंस्ट्रुअल फेज हो जाती है, इसके बाद दूसरी फेज आती है जिसको हम कहते हैं फोलिकुलर फेज। इस फोलिकुलर फेज में जो ग्राफियन फोलिकल है, जिसने ओवुलेशन करना है, जो मैच्योर होना है, वो ग्राफियन फोलिकल डेवलप होना शुरू हो जाता है। वो डेवलप होता रहता है और ये बढ़ता रहता है साइज में, और ये स्टेज लगातार चलती रहती है। ये जो फोलिकुलर फेज है, ये फोलिकुलर फेज चलती रहती है इसके बाद। तो इसके बाद ये फोलिकुलर फेज है, फोलिकुलर फेज में जो ग्राफियन फोलिकल है वो फुल्ली मैच्योर हो जाता है और ये लगभग 8 दिन तक चलती है, 7 से 8 दिन तक ये फेज चलती है। तो इस तरह से 13-14 दिन तक का साइकिल हमारा पूरा हो जाता है, 8-9 दिन तक भी चल जाती है। तो इसमें जो फोलिकल है ये पूरा मैच्योर हो जाता है, इसके अंदर ये ओवम बन जाता है और ये ओवम पूरी तरह मैच्योर होता है। तो ये दूसरी स्टेज आती है हमारी, जिसको कहते हैं फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज में हार्मोनल चेंज होती है और इसमें धीरे धीरे प्रोगेस्टेरोन का लेवल और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। ये FSH हार्मोन इस पे काम करता है। FSH हार्मोन फोलिकल को स्टिमुलेट करता है, जिससे फोलिकल डेवलप होता रहता है। इसमें FSH हार्मोन का रोल है। FSH हार्मोन फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फोलिकुलर फेज को स्टिमुलेट करता है, जिससे ये यूटेरस की वाल्विंग डेवलप होने शुरू हो जाती है। प्रोलिफरेशन रिपेयर थिकनेस, प्रोलिफरेशन एंड थिकनिंग ऑफ यूटेरस लाइनिंग एंडोमेट्रियम थी, यूटेरस की लाइनिंग, वो एंडोमेट्रियम ठीक होनी शुरू हो जाती है। ये भी इसी के कारण चलता है। ये स्टेज ही हमारी फोलिकुलर फेज। इसके बाद तीसरी स्टेज आ जाती है हमारी, ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज में ये जनरली 14 से 16 दिन के बीच होती है, मोस्टली 14 दिन होती है, लेकिन 14 से 16 तक कभी भी हो सकती है। इस स्टेज में जो मैच्योर फोलिकल है, दैट फोलिकल रिलीज ओवम, उस फोलिकल से ओवम निकलता है, और जो ओवम निकलता है, इसको ओवम निकलने को हम कहते हैं ओवुलेशन। तो जो ओवुलेशन फेज है, एक फेज है, इस फेज में LH हार्मोन पीक पे होता है और FSH भी पीक पे होता है। इनकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा इस स्टेज में जो एस्ट्रोजन है वो भी सबसे ज्यादा होता है। ये तीनों हार्मोन पीक पे होते हैं साइकिल में, एट दिस स्टेज दे आर एट पीक। इनकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है ओवुलेशन के टाइम। तो ये हार्मोन तीनों एक्ट करते हैं। इसमें मेन रोल LH का है। LH किस पे काम करेगा? LH काम करेगा फोलिकल पे, जिससे ये ओवुलेशन हो जाएगा। ओवरी से ओवम निकलता है, वो ओवम कहाँ आएगा? इनफंडिबुलम में। ओवरी से इनफंडिबुलम में ओवम आ जाता है और ओवरी के अंदर जो ओवम निकला तो वो जो स्ट्रक्चर बची वो स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाती है कार्पस ल्यूटियम में। ओवम तो ओविडक्ट में आ गया और जो स्ट्रक्चर बची फोलिकल की वो कहलाती है कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम भी डेवलप होना शुरू होता है। इसके बाद अगली स्टेज आती है, उसको हम कहते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम डेवलप करता है और यह फेज 12 से 14 दिन तक चलती है। अगर प्रेगनेंसी हुई है तो कार्पस ल्यूटियम सर्वाइव करता है। इफ प्रेगनेंसी अर्थात इम्प्लांटेशन, तो ये ग्रो करता है कार्पस ल्यूटियम और बाद में ये कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है, नो इम्प्लांटेशन,
तो फिर ये कार्पस ल्यूटम डीजनरेट होना शुरू हो जाता है और साइज में घटना शुरू हो जाता है और ये क्रिया 28 दिन तक चलती रहती है। इस प्रकार से फीमेल रेले मेंस्ट्रुअल साइकिल करता है। 28वें दिन के बाद जब 28 दिन पूरे हो जाते हैं फिर कंडीशन पे डिपेंड करता है क्या प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है। अगर प्रेगनेंसी हुई है तो क्या होगा, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी के केस में क्या होगा, इट मेक द साइकिल स्टॉप। अगर प्रेगनेंसी है तो साइकिल रुक जाता है, आगे साइकिल नहीं चलता, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो दोबारा से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन अगेन स्टार्ट, मेंस्ट्रुअल अगेन इफ नॉट इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ये दोबारा से फिर से मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस चलती रहती है और ये प्रोसेस सारी उम्र चलती रहती है, मेनार्की से लेकर मेनोपॉज तक यही साइकिल चलता रहता है। और इस प्रकार से ये साइकिल औरत में 50 ईयर एज तक लगातार चलता है प्रेगनेंसी के टाइम, ये बंद हो जाता है क्योंकि कार्पस ल्यूटियम से प्रोगेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। कार्पस ल्यूटियम से जो हार्मोन निकलता है प्रोगेस्टेरोन वो मेंटेन प्रेगनेंसी को करने में मदद करता है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है क्योंकि ये ओवरी से भी निकलता है और कार्पस ल्यूटियम से भी निकलता है, थोड़ा बहुत प्लेसेंटा से भी निकलता है, तो इस तरह इसकी कंसंट्रेशन एक प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में मदद करती है। तो इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल केवल तब चलता है जब फीमेल प्रेगनेंट ना हो, इट मीन्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ओनली व्हेन नो प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, अगर प्रेगनेंसी है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल से अंदाजा लगा लेते हैं कि फीमेल प्रेगनेंट है या नहीं है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग ओवुलेटरी फेज, अगर ओवुलेटरी फेज के बाद ओवुलेटरी फेज के टाइम मेल और फीमेल, ये सिंबल मेल का है ये सिंबल फीमेल का है, इनमें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में मेल और फीमेल दोनों पास पास आते हैं और इस स्टेज में पहले मेल का जो पेनिस है वो ड्यू टू कंडीशन बिकम इरेक्ट, और इसके इरेक्ट होने को, टाइट होने को, ठीक होने को हम कहते हैं इरेक्शन। तो पहली कंडीशन है मेल में इरेक्शन, और इरेक्शन के बाद मेल अपने पेनिस को इंजर्ट इन वजाइना, फीमेल के वजाइना में इंजर्ट करता है, और इसके बाद उन्हें फिजिकल एक्टिविटी होती है, मोशन होती है, मस्कुलर कॉन्टैक्ट होता है, और इसके बाद कुछ टाइम के बाद पेनिस से सीमेन निकलता है, इस निकलने को हम कहते हैं इजैकुलेशन। इजैकुलेशन में मेल में से ये फीमेल की वजाइना है, इस वजाइनल कैनाल में यहां पे स्पर्म निकल जाते हैं, इस वजाइना के बाद आगे आता है
ये सर्विकल कैनाल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ा है, और ये यूटेरस है, और यूटेरस के बाद ये इधर ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूटेरस है। तो मेल ने यहां अपने वजाइना में स्पर्म डाले इजैकुलेशन प्रोसेस में। अब इजैकुलेशन के बाद क्या होगा, ये जो स्पर्म है दीज स्पर्म स्टार्ट मूविंग, और यहां से ये स्पर्म मूव करते हैं आगे, ओवम या तो इधर होता है या इधर होता है, ओनली वन ऑफ द टू या ओविडक्ट हैज ओवम। आदमी में ये डेफिनेट है कि या तो ये ओवरी ओवर निकालेगी या ये निकालेगी, एक बार में ये निकालती है अगली बार में ये निकालेगी, तो 28 दिन का पीरियड होता है। तो ओवुलेटरी फेज में मान लो इस ओवुलेटरी फेज में इस ओवरी से ओवम निकला है, तो दिस ओवरी विल बी साइलेंट, दिस ओवरी विल बी इनएक्टिव, इधर से ओवम नहीं आएगा, इधर से आएगा, और अगर इधर से आया है तो इधर से नहीं आएगा। एक बार में एक ओवरी से ओवम निकलता है, ये निकाल एक तरह से म्यूचुअल एडजस्टमेंट है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, अपने आप एक ओवरी से ओवम निकलेगा, दूसरी ओवरी से ओवम नहीं निकलेगा। तो यहां से जो स्पर्म चलेंगे वो स्पर्म यहां से चलते चलते वो स्पर्म जो स्पर्म राइट ओवम तक पहुंचेंगे, ये ओवम है यहां ओविडक्ट में, और ये ओवम जो ओविडक्ट में होता है ये ओवम वास्तव में एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे ये हिस्सा एम्पुला था, ये इस्थमस था, तो यहां को ये ओवम होता है और ये इसी जगह फर्टिलाइजेशन होगा, यहां ये ओवम है, ये है जंक्शन ओविडक्ट के अंदर एम्पुला और स्तनक के जंक्शन पे स्पर्म ओवम के साथ मिलेंगे। तो जब ये ओवम है इसके पास पहला स्पर्म आएगा, तो पहला स्पर्म इसके कॉन्टेक्ट में आने से स्पर्म के अंदर जो एक्रोसोम है वो एक्रोसोम अपना सेक्रेशन यहां निकाल देगा, निकालते ही ये मेम्ब्रेन डाइजेस्ट हो जाएगी और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाएगी और उनके ऊपर इस मेम्ब्रेन को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, और ये हार्ड हो जाएगी कवरिंग, वो जो एक्रोसोम के अंदर हाइलोरिनेज एंजाइम है दैट एंजाइम विल डाइजेस्ट, दैट विल डाइजेस्ट दी सेल और कोरोना रेडिएटा एंड द जोना पेरोसिडा की जो सेल है उनको वो यहां से कर लेगा, इस तरह से ये यहां स्ट्रक्चर बना लेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा अपने हेड की तरफ से, और इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। फर्टिलाइजेशन कोन बनाएगा स्पर्म यहां इसके साथ, और ये फर्टिलाइजेशन कोन से ये इसके साथ जुड़ जाएगा, जुड़ते ही इसके तुरंत इसके रेस्पॉन्स में इसके ऊपर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाएगी और ये फर्टिलाइजेशन कोन बन जाएगा स्पर्म का, और इस तरह से और दूसरे स्पर्म की एंट्री इसमें नहीं हो सकती ड्यू टू दिस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ओनली वन स्पर्म विल मेक कॉन्टैक्ट, केवल एक स्पर्म ही कॉन्टैक्ट बनाएगा, दूसरा स्पर्म इसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं बना सकता। इट इज एन अडेप्टेशन, ये एक अडेप्टेशन है कि जब एक स्पर्म कॉन्टैक्ट में आ गया तो उसके बाद अगर दूसरा स्पर्म कॉन्टैक्ट में आता है दैट विल डाई, दैट विल बी डैमेज, दैट डू नॉट पेनिट्रेट दी ओवम। तो इस तरह से सिंगल फर्टिलाइजेशन ही एंश्योर होता है। तो इस प्रोसेस के द्वारा इसमें इसका जो स्पर्म है इसका न्यूक्लियस इसके अंदर आ जाता है, और न्यूक्लियस आने के बाद तुरंत व्हेन दिस अटैच इट द मियोसिस सेकंड इन द ओवम स्टार्ट एंड द पोलर बॉडी विल
गेट आउट थ्रू दिस सेम पाथ, यहीं से वो पोलर बॉडी बाहर निकल जाएगी और ये जो है ओम फंक्शनल स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह से इसके अंदर अब ये ओम और ये दूसरा स्पर्म का न्यूक्लियस पहुंचे और ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं, इसके ऊपर मेम्ब्रेन बन जाती है और अब ये बन जाता है जाइगोट। द जाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट एट द एम्पुला स्टमस जंक्शन। तो ये प्रोसेस कहलाती है फर्टिलाइजेशन। इन दिस द ओनली वन स्पर्म, केवल एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है, वन स्पर्म फर्टिलाइज दी ओवम, बाकी फर्टिलाइज नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन, इस तरह से जाइगोट का बनना, जाइगोट बना और जाइगोट कहां बनेगा, ये इस जगह बनेगा। जाइगोट के बनने के तुरंत बाद इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, उस डिवीजन को हम बाद में जिक्र करेंगे। आज आप इतना ही टॉपिक लें कि ये किस तरह से मेंस्ट्रुअल होता है, किस तरह से प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, फर्टिलाइजेशन होता है। अभी हमने मेंस्ट्रुएशन और फर्टिलाइजेशन ये दो टॉपिक लिए, तो अगला टॉपिक हम फिर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।